हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पूड़ी वगैरह वाला पाउडर को। इसके लिए हमने लिया है मसाले वाला मिर्चियों को और इमली लिया है। खोपरा इस तरह से कट करके रखा है। जीरा राय और माश की दाल, चने की दाल, मेथी और धनिया, कड़ी पत्ता। जीरा थोड़ा ज़्यादा लेना है ताकि टेस्ट अच्छे से आ जाएगी। और काली तिल को लिया है, ये भी टेस्ट के लिए, गुड़ भी टेस्ट के लिए। और ब्लैक पेपर लिया है हमने। और एक पैन अच्छे से गरम कर लीजिए और फ्राई करने के लिए ऑयल ऐड कर दीजिए। मसाले वाले मिर्ची को फ्राई कर लीजिए और तिल, धनिया, इस तरह से एक एक इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छे से रोस्ट कर लीजिए खोपरा, एक एक करके अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। पानी भी बिल्कुल लगना नहीं चाहिए। और इमली को रोस्ट कर लिया है अच्छे से, ये भी सब एक एक करके ग्राइंड करते जाइए। और ऑयल में पीनट्स यानी के सेंगा को अच्छे से फ्राई कर लेना है और थोड़ा सा माश की दाल और चने की दाल, इन इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा अलग से लेकर अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेना है ताकि टेस्ट आ जाए। और मिर्ची को भी थोड़ा सा अलग से फ्राई कर लीजिए ऑयल में, एक एक करके अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए, एक बॉल में निकाल दीजिए। बहुत ही सिंपल एंड ईजी रेसिपी है, आप भी घर पर ट्राई कर सकते हो। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बिल्कुल सिंपल सी तरीके से हमने बनाया है इसको। स्टोर करके जितना दिन चाहिए आप उतना दिन यूज कर सकते हो। जब भी आपको चाहिए उस टाइम पे आप यूज कर सकते हो। और हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ऊपर से सॉल्ट और रेड चिल्ली पाउडर आपको जितना टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।